पढ़ने जा रहे हैं हेलो एरिंस। और हेलो एरिंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, क्योंकि बाकी सब कुछ पहले से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो, हेलो एरिंस का मतलब हो गया कि हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन का मतलब क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, एडो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन, ये सब कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट मेथड देखो इसका बनाने का, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेथड और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कौन सा है। तो देखो बता रहे इसमें, फर्स्ट मेथड को याद करो, हैलोजिनेशन। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बेंजीन पढ़ चुके हुए हैं। हैलोजिनेशन कराने जा रहे हैं, किसका हैलोजिनेशन कराएंगे? तो बेंजीन का करा दो, हैलोजिनेशन बन जाएगा। लेकिन हैलोजिनेशन करते वक्त दो बातों का खास ध्यान रखना है कि हैलोजिनेशन आप किसका करवा रहे हैं, बेंजीन का करवा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग बेंजीन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, बेंजीन के अलावा और भी आपके पास हैलोजिनेशन हो सकता है। हो सकता है कि आप टॉलिन का भी करवा रहे हैं। तो जितने सारे हैलोजिनेशन हैं वो हम एक जगह बता दे रहे हैं पूरा। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट तीन तरह के बताएंगे हैलोजिनेशन के बारे में। फर्स्ट ए में कर दो, हैलोजिनेशन में सबसे पहले हम बता रहे हैं, अगर मान लो कि तुम्हारे पास बेंजीन है सपोज, और बेंजीन को आप करा रहे हैलोजिनेशन, बोले तो सीएल टू करा दो। और हैलोजिनेशन कराने के लिए बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेना पड़ता है, तो गलती से आप अगर यहां पे सनलाइट रख देंगे तो क्या बनता है, ये बेंजीन में पड़ चुके हम लोग हैं, हाँ गैमेक्शन बन जाएगा ये। यहां पर बच्चे लोग ये डबल बॉन्ड को बस हटा दो और हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड के बदले एक एक सीएल जाके बैठ जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये पहला हैलोजिनेशन हुआ। दूसरा हैलोजिनेशन देखो, ये आपके पास बेंजीन है और ये आपने सीएल टू से कराया, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस एएलसीएल थ्री, एएलसीएल थ्री लिखो या फिर और लिखो एफसीएल थ्री लिखो, 310 से 320 कैलोरी। क्या बनता है यहां पे, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म वगैरह सब। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां पर जो अटैकिंग एजेंट है वो आपके पास सीएल प्लस होता है, और एक सीएल लगा दीजिए कहीं बेंजीन पर, एक सीएल है। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद किस पर, मान के चलो कि सिंपल बेंजीन है तो ये चीज हमें आती है, और भी चीजें हम पढ़ चुके हैं बेंजीन में, सारा चीज बता चुके हैं। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो सिंपल तरीके से होता है, आयोडिनेशन सिंपल तरीके से नहीं होता, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट में जो एचआई जो फॉर्म होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से उसके अंदर हम लोग एचएनओ थ्री वगैरह और आयोडिक एसिड मिलाना पड़ता है। तो ये आपके पास सिंपल सा हैलोजिनेशन है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। यहाँ पे सीएल टू बी आर टू के केसेस में सेम कंडीशन मिलेगा, अगर आप इसमें आई टू की कंडीशन को डाल दोगे, आई टू के साथ साथ हमें जैसे इसके अंदर आई टू मिलते हैं त्रिवल सेवल रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन वापस उसी डायरेक्शन में पहुंच जाता है जिस डायरेक्शन में ये जा रहा होता है। यहां पर आई तो बनेगा, बगल में एच आई भी निकलेगा, और ये एच आई फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, रिएक्शन फिर वापस इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को फर्दर इसके अंदर आयोडिक एसिड मिलाते थे एच आई ओ थ्री, और वो फाइव एच आई से रिएक्शन कर जाता था, और रिएक्शन करने के बाद वो आई टू में कन्वर्ट होता था, अब प्लस एच टू के अंदर कन्वर्ट होता था। तो हैलोजिनेशन है बच्चे लोग, बेंजीन से हैलोजिनेशन जो भी है ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, इसके आगे का बता रहे हैं। अगर मान लो कि हमको हैलोजिनेशन कराना है लेकिन बेंजीन का नहीं टॉलिन का करवाना होगा, तो देखो टॉलिन के हैलोजिनेशन में क्या क्या फॉर्म होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास सीएल थ्री है, टॉलिन है, और आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, सीएल टू के साथ, किसके प्रेजेंस में, या तो अगर आपका मन करे एनहाइड्रस एएलसीएल थ्री ले लो, एफसीएल थ्री ले लो, अगर इतना में से कुछ नहीं मिल रहा है तो आप एफी भी ले सकते हैं, डायरेक्ट एफी के साथ भी होता है। और ध्यान रहे ये रिएक्शन को थोड़ा अंधेरे में करवाइए,
तब क्या फॉर्म होगा, इसके ऊपर बात करना हमें। क्या बनेगा अभी उसके ऊपर चर्चा करने से पहले आप खुद से देखो इसके अंदर Cl प्लस क्या होगा। Cl प्लस यहां पर फॉर्म होने लगता है। अब Cl प्लस अगर यहां पर फॉर्म हो, क्योंकि हमें पता है कि AlCl3 से क्या होता है कि यहां पर Cl आपके पास दो बॉन्डिंग होता है इसके बीच में और यहां से एक Cl बाहर निकल के उसको हेल्प करने जाता है, जिसकी वजह से Cl के ऊपर प्लस चार्ज निकल के आता है और ये प्लस चार्ज अटैक करेगा। लेकिन ये अटैक करेगा तो कहां करेगा, इस चीजें को हमको पता करना है। ये चीजें हम कैसे पता करेंगे, तो ये चीजें पता करने के लिए आप पहले टॉलिन का आपको देखना पड़ेगा कि टॉलिन के केसेस में ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है Cl प्लस। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस कहां पर होगा, क्या ऑर्थो पोजीशन पर है, मेटा पर है या पैरा पे है, ये तीनों पहले आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये डिफिशियंट है मतलब ये उसी की जगह पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो ये चीजें हम कैसे पता करें, ये आपका बेंजीन है और इसके साथ ये आपके पास तीन हाइड्रोजन है और तीन हाइड्रोजन होने की वजह से यहां पर क्या होता है कि आप जैसे इसमें रिएक्शन कराते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुने ही हो। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और कार्बन क्या करता है इसके अंदर, एक मिनट को कोई आया होगा सर, देखो चलो ये तुम्हारे पास क्या है, टॉलिन है, तीन हाइड्रोजन यहां पर है और यहां पर एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का नाम सुने होगे तुम लोग। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, कंपाउंड को अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए हाइड्रोजन क्या होता है कि यहां पे सिंगल बॉन्ड टूटता है, आप लोग पढ़े होंगे यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन क्या करेगा, यह हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर रखेगा। तो अपने दो इलेक्ट्रॉन को यहां पर पुट करने के बाद क्या, प्रेसिविटी को बढ़ाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन को यहां पर पुट करेगा और जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया एच प्लस बार। कोई कंपाउंड कैसे ज्यादा स्टेबल है, देखिए कैसे स्टेबल है, यहां पर जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन रख देगा तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, दो इधर से था एक पांच बॉन्ड होगा नहीं, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा इसको, और इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खुद रख लेगा, मतलब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेकर बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए कुछ समय के बाद फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यही अपने जस्ट बगल में रख देगा। तो यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर को रख दिया जाए तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ये जो पहले से है ऑलरेडी रहेगा ये, तो फिर ये वाला कार्बन के पास देखिए, जैसे आप यहां पर बॉन्ड लगा दोगे तो इस कार्बन के पास दो चार और एक इसके पास हाइड्रोजन है पांच, फिर से प्रॉब्लम, कार्बन पांच वैलेंसी नहीं रख सकता है, इसलिए ये बॉन्ड को तोड़ के इसके दो इलेक्ट्रॉन है यहां पर आ जाएंगे। तो फिर से इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ज्यादा दिन तक आदमी चल नहीं पाएगा, इसलिए फिर से अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर ये इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाएगा अपने जस्ट बगल वाले पे रखेगा, जैसे रखेगा तो फिर यहां पर डिस्टर्बेंस होगा। एक मिनट यहां पर तो इसकी वजह से यहां पे पांच आ जाएगा, तो फिर इसको यहां पे भी तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ कर दीजिए सर, और ये हो गया आपके पास यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पर आया और बाकी जो चीजें ऊपर है उसको आप ऐसे लिख दो। अब मुझे एक चीज बताओ यहां पे, अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर फिर से ये वापस रख देगा यहां पे, नेगेटिव चार्ज देखिए कोई ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है, एक बहुत बड़ा बोझ है इसके ऊपर, तो बोझ जल्दी रखना चाहता ये है, लेकिन जैसे ही अभी यहां पर ये बोझ रख देगा तब ये वाला बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड, और ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये एच प्लस कंबाइन कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए रेजोनेंस कंपाउंड आने की वजह से क्या होता है, वो कंपाउंड अब इसके अंदर केसेस में ज्यादा स्टेबल है, सिर्फ इतना ही कम, हाइपर कॉन्जुगेशन आपके पास कितना इफेक्ट दिख रहा, तो कहोगे तो हम लोग पहले तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट ये दिखा और इसलिए हम लोग रेजोनेंस काउंट कर रहे हैं, पांच तरह के इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आ रहे हैं, चाहेंगे तो हम ये हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल भी कंपाउंड है। तो जब ये ज्यादा स्टेबल है तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये मालूम करना था कि जो टॉलिन है तो टॉलिन की किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और कहां कम है। तो आप भी चेक कर लीजिए कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो कहां कहां मूव किया है, एक ये पोजीशन है, एक यहां पोजीशन दिख रहा है और एक यहां पोजीशन, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं,
इसके रिस्पेक्ट में ये पहला पोजीशन होता है ऑर्थो, यहां पर भी आया पैरा, यहां पर भी आया, ये तो फिर से पहला पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, मतलब ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि आप भी जब कंपाउंड बनाएंगे इसका, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली ही कंपाउंड बनाओगे। तो देखो यहां पर अगर आपको लिखना होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3 तो अपने जगह पे ही रहेगा, एक ऑर्थो पर जाएगा, तो एक Cl आप यहां पर रखेंगे, और एक बच्चे लोग ये भी बनेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हैं कि ऑर्थो क्लोरो टॉलिन, और एक हो जाएगा पैरा क्लोरो टॉलिन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी ये भी इसमें आ जाता है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर और माइनर। तो देखो उसका हम लोग कैसे हिसाब करेंगे, यहां पर CH3 है और बगल में Cl ग्रुप है, CH3 एक बड़ा ग्रुप है, बगल में Cl वो भी एक काफी बड़ा ग्रुप है, तो अब CH3 Cl काफी नजदीक के स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, दूर भगाएंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो ये कम बनेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। यहां देख रहे हैं कि CH3 ऊपर है, Cl नीचे है, मतलब ना इसको किसी से कोई तकलीफ है, ना इसके अगल बगल तो कोई है नहीं, ये इसके जस्ट नहीं अपोजिट में है, तो इसलिए ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम है, थोड़ा कम क्या, बहुत ही कम है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो याद रखना कि अगर हमारे पास टॉलिन का क्लोरिनेशन कराएंगे तो इसके अंदर जो क्लोरीन बैठाओगे तो कहीं ऐसे पोजिशन पे ही डाल सकते हैं, उसको देख के डाल सकते हैं, ये यहां बैठा हो चाहे यहां बैठा हो एक ही बात है, इस पर कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। लेकिन अगर मान लो कि आप फिर से क्लोरीनेशन ही करवा रहे हैं, लेकिन इस बार डार्क जैसा कोई केसेस नहीं है, सनलाइट दी है आपको करने के लिए, ये CH3 है, Cl2 ही सेम रिएक्शन रहेगा बच्चे लोग, लेकिन ध्यान रहे कि कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहां पर आपको लिख के दे दिया जाएगा सनलाइट, Cl2 रहेगा सनलाइट लिखा रहेगा, सनलाइट को यूवी रेज पर लिख के छोड़ दिया जाएगा ऐसे भी। तो फिर क्या बनेगा ये, तो ये तो रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये आपका एल्केन पार्ट है, आप कह रहे हैं क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहां पर CH2Cl हो जाएगा और इसका एच और इसका एक HCl यहां से फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट अगर क्लोरीन का है, अगर एक्सेस अमाउंट में अगर आपने क्लोरीन रखा हुआ है, तब ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगा, ये रिएक्शन आपका फिर आगे स्टेप अगला स्टेप ले लेगा, यानी कि CH2Cl होगा, फिर ये Cl2 रिएक्शन कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर क्या फॉर्म होगा, तो फिर से वापस एक सीएल को ऐड करो, एक एच को बाहर निकालो, फिर HCl बाहर निकलेगा, फिर CHCl2 हो जाएगा, और अगला स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि एक हाइड्रोजन और है तो एक स्टेप और वो बढ़ जाएगा और CCl3 फाइनल रुक जाएगा जाके। तो हैलोजनेशन आपको दिखा दी, उसको बिल्कुल लिख दे रहे हैं, सिंपल सा लिख लो यहाँ पर, ये बेंजीन आपके पास है, ऊपर मैं CH3 रिएक्शन करा रहा हूं, किसका, Cl2, सनलाइट प्रेजेंस में HCl निकलेगा बाहर, बनेगा आपके पास CH2Cl, फिर से वही रिएक्शन हो रहा है वापस, फिर HCl निकलेगा बाहर, फिर आपके पास कंपाउंड जो बनेगा वो CHCl2 हो जाएगा, सेम रिएक्शन Cl2H2 और इस बार CCl3 हो जाएगा। तो हैलोजनेशन आपको दिखा दिया टोटल 3 तरीके से, अगर बेंजीन पर डायरेक्ट हैलोजनेशन कराओगे तो क्या फॉर्म हो रहा होता है, क्योंकि बेंजीन के केसेस में हम लोग को मालूम है कि बेंजीन है, पहले से कोई इसके ऊपर ग्रुप नहीं है कि हमको सोचना है कि किस पॉइंट पर क्या प्रेजेंट है, तो बेंजीन में डायरेक्ट क्लोरिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर वही टॉलिन के केसेस में कराओगे तो डिपेंड करता है कि सनलाइट है या नहीं है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन, अगर सनलाइट नहीं आपके पास है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो टॉलिन है किस कंडीशन पे किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होगा।
इस तरीके से आपका हैलोजनेशन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट भी बच्चे लोग अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। देखो डाइएजोनियम सॉल्ट से हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या प्रिपेयर करना है हेलोजन जी? तो वो तो होता है बाई सेंडमेयर रिएक्शन, आपको सेंडमेयर रिएक्शन से करवाना होगा। और ये रिएक्शन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखो सेंडमेयर रिएक्शन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शंस, मतलब आपको पहले लाना पड़ेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर कैसे होता है इसके ऊपर हम थोड़ा यही बात कर ले रहे हैं। इसके बारे में पढ़ना भी है, आप पढ़ोगे एनिलीन कैसे बनते हैं तो वहां पर भी मिलेगा उसमें। लेकिन देखो अगर आपको सेंडमेयर रिएक्शन करना है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज करना पड़ता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो आपके पास ये 1 डिग्री का एमीन होता है जिसमें हम लोग एमीन मतलब सॉरी 1 डिग्री का एमीन यानी कि हम लोग बेंजामिन, इसको हम लोग एनिलीन भी बोलते हैं, एनिलीन को ले लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं लोग है? एक मिक्सर पास करते हैं, वो मिक्सर बताया था एक बार आपको NaNO2 और HCl का मिक्सर होता है और आपको टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री के अराउंड रखना पड़ता है। क्या फॉर्म होता है, तो HNO2 फॉर्म होता है, HNO2 ये पूरा और NaCl होता है बाहर आपके पास। और एक्चुअल में फिर रिएक्शन करता कौन है, HNO2 ही इसमें रिएक्शन करता है। और ये मिक्सर इसलिए बार बार हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इस मिक्सर से ही तो हमारा काम बन रहा है, HNO2 आखिर प्रिपेयर होगा कहां से। क्या बन रहा होता बच्चे लोग इसके अंदर, तो देखो इसके अंदर आपके पास बनेगा N2Cl। N जब आप बनाएंगे तो N होगा और एक आपके पास Cl यहां पर होगा, तो ये बॉन्ड ट्रिपल होता है, तब कहोगे कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है, तो इसके ऊपर यही चीजें यहां पर माइनस हो जाता है, सॉरी प्लस हो जाता है और यहां पर एक माइनस कर देते हैं। इसलिए आप देखोगे कि N2Cl जब भी स्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाता है तो वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव लेके बनाते हैं। तो सॉल्ट भी दूसरी वजह से ये है, सॉल्ट में कैटायन और एनायंस भी होते हैं। तो N के ऊपर आप प्लस चार्ज कर देंगे और Cl के ऊपर होता आपके पास माइनस चार्ज आता है और आपको ये कंपाउंड के अंदर ये देना पड़ेगा प्लस माइनस। अगर नहीं दोगे तो खुद से देख लो वहां पे बैलेंसिंग नहीं है, एक सॉल्ट है, सॉल्ट में कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा कैटायन पार्ट है कौन सा एनायन पार्ट है, इसलिए आपको N2Cl में दिखाना भी पड़ता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तुम्हारे पास बन गया। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहां से आओगे, यहां पर N दिखे रहे होंगे, इसका भी N है, तो N2 यहां पर ले लेंगे, Cl यहां कर ले लेंगे और बाकी जो आपको दिख रहा होगा 4 हाइड्रोजन 2 यहां से 2 यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर भी निकाल सकते हो यहां से। तो मेन देखो हमको इसी कंपाउंड का यूज करना है, सेंडमेयर रिएक्शन में यही डाइजोनियम सॉल्ट यूज होता है। ये सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है, इसको तो बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। यहाँ पर एजो ग्रुप बनता है, N यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड N से ही कनेक्ट होता है इसलिए यहाँ पर एजो ग्रुप आता है। तो डाई एजोनियम या उसको डाई एजोटाइजेशन, इसको ये रिएक्शन कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है इसे तो हमारा बना नहीं हैलोबेंजीन, हैलोबेंजीन इसे कैसे बनेगा, तो सेंडमेयर रिएक्शन से बनेगा। सेंडमेयर रिएक्शन कैसे बनता है हैलोबेंजीन, आप उसी के ऊपर बात करते हैं। तो पहले सेंडमेयर रिएक्शन से पहले बनाने से पहले हमको आना चाहिए कि डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको एनिलीन लेना पड़ेगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, NaNO2 HCl का मिक्सर रखना होगा, HNO2 इसमें बनेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड वहां पर HNO2 होता है और HNO2 का ही मेन रिएक्शन है उसके अंदर। और HCl भी देख रहे होंगे N2Cl में यूज हुआ है। देखो सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। किसके साथ लेके हम लोग इसके मिक्सर को हीट करते हैं, तो बोलेंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड।
आप कुछ भी ले सकते हैं, CuCl, अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे CuX लिख सकते हैं, एक्स लिख दे रहे हैं, तो यहां पर HX लिखना होगा। अब अगर मान लो कि आप CuX लोगे प्लस HX लोगे, ये दोनों के मिक्सचर को जब पास करोगे, इस दोनों मिक्सचर के साथ इसको हिट करोगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, कोई हार्ड रिएक्शन नहीं है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास Cl रह जाएगा और यहां से N2 गैसेज जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे, जैसे जैसे यहां देखो एग्जाम्पल, ये N2Cl है प्लस माइनस, मान लो मैंने CuCl ले लिया, HCl ले लिया, तो CuCl लोगे HCl लोगे तो यहां पर आपको Cl ही बैठाना है और यहां से N2 बाहर निकाल देना है, लेकिन यहां पर आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl ही है। और इस बार हम लोग क्या ले रही है, इस बार ले रही है CuBr ले लो, ब्रोमाइड भी ले सकते हो तुम लोग, और यहां पर ले लो तुम लोग HBr, HBr बाहर निकालोगे तो ये Br को बैठा दो इसके ऊपर, N2 भी बाहर निकलेगा और HCl भी बाहर निकल जाएगा। यही पूरे रिएक्शन के अंदर है, यही इसी को बोलते हैं सेंट मेयर रिएक्शन। याद रखना, सेंट मेयर रिएक्शन से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आइडोबेंजीन नहीं बनता इससे, आइडोबेंजीन के लिए बता रहे थोड़ा अलग मेथड है, लेकिन सेंट मेयर रिएक्शन बोलते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इंटू क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस नहीं बोल सकते हो, इसी के साथ मिलकर हीट करते तब जाके बनता है, तो बोल सकते हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ या हीटेड विथ क्यूप्रस, यहां पर आपके पास हो जाएगा हेलाइड एंड हेलोजन हेलाइड, ये हेलोजनेशिप, तब जाके आपके पास फॉर्म होता है क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में इसका बहुत यूज होता है। फिर देखो, अगर मान लो कि मुझे अगर आइडोबेंजीन बनाना है तब, क्योंकि क्लोरोबेंजीन बनाने के मेरे पास तो क्लोरिनेशन से भी बन जा रहा है, सेंट मेयर से भी बन जाएगा, यानी कि डायजोनियम साल्ट से भी बन जाएगा, लेकिन अगर मान लो आइडोबेंजीन मुझे बनाना होगा या फिर फ्लोरोबेंजीन बनाना होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, क्लोरोब्रोमो तो उससे भी बन जाता है, क्लोरिनेशन से भी बन जाता है, ब्रोमिनेशन से, हेलोजनेशन से बन जाता है। देखो, अगर तुमको बनाना है आयडोबेंजीन, तो आयडोबेंजीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को सेंट मेयर रिएक्शन नहीं कहते, ध्यान रखिएगा, N2 आप Cl ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां पर आपको कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड वगैरह नहीं चाहिए, यहां पर सिंपल Ki चाहिए और आपको हीट चाहिए बस, क्या बन जाएगा आयडोबेंजीन, N2 गैस बाहर और KCl बाहर। तो याद रखो, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से आप आयोडीन बेंजीन भी बना सकते हैं, लेकिन बसरते यहां पर कॉपर नहीं चाहिए, यहां पर आपको पोटेशियम एडाइड चाहिए बस। और एक और होता है बच्चे लोग, इसी जैसा देखने में रिएक्शंस लगता है, जिसका नाम है गैटरमैन रिएक्शन। थर्ड हमारा जो रिएक्शन है जिसका नाम है बाई गैटरमैन रिएक्शन। अब देखो, ये गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है, तो फिर से वही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फिर से लेके आ जाओ, N2Cl और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ फिर से वही कॉपर ले लिया और HCl ले लीजिए। ध्यान रहे, यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉपर के पाउडर पर भी काम चला सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है कि जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड टू फॉर्म, हर जगह Cl दिख रहा है तो क्लोरोबेंजीन ही बनेगा और HCl तो चलो वैसे रह जाएगा, लेकिन अगर HCl के बदले में अगर आपने HBr ले लिया इस रिएक्शन के अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, यहां पर N2 भी निकलेगा और HBr भी आएगा। लेकिन ध्यान रहे एक चीज और यहां पे, एक सॉरी HBr नहीं HCl, एक चीज यहां पर और भी बता दें कि इसमें फिर से आयडोबेंजीन इससे भी नहीं बनेगा आपका, सेंट मेयर हो या गैटरमैन रिएक्शन हो, दोनों के दोनों क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के लिए ही बनाते हैं फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट से, और सेंट मेयर और ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, यहां पर आपके पास जो होगा वो
सेंडवेयर में क्यूप्रस होगा, यहां पर सिंपल कॉपर रहेगा। तो इससे तो बन जाएगा आयोडो बेंजीन। बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड था, के आई लेके हिट करना होगा डायजोनियम सॉल्ट को। लेकिन अभी तक अगर फ्लोरो बेंजीन बनाना होगा तो उसके लिए अभी तक कोई उपाय नहीं मिला है। तो चलो आप दोनों को समझाते हैं फ्लोरो बेंजीन कैसे बनाएंगे। अगर फ्लोरो बेंजीन बनाना है तो एक्चुअल में कोई बना तो पाया ही नहीं था इसको बनाने के लिए। एक स्पेशल साइंटिस्ट है मार्केट में जो अपने नाम पे रिएक्शन को लिखे है, वो सिर्फ फ्लोरो बेंजीन के लिए फेमस है, बाल सीमर। बाल सीमर रिएक्शन ये फेमस है सिर्फ और सिर्फ फ्लोरो बेंजीन के लिए। क्या किया गया इसे भी, तो ये भी डायजोनियम सॉल्ट कहीं लेकर काम किया है। डायजोनियम सॉल्ट को लिया गया था, बस यहां पर एक नया जो आपके पास है वो HBF4 यानी कि आपको इसको बोलते हैं फ्लोरो बोरिक एसिड कहते हैं, फ्लोरो बोरिक एसिड। ये डायजोनियम क्लोराइड को फ्लोरो बोरिक एसिड के साथ जब हिट किया गया तो पहले तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, मतलब N2 प्लस और BF4 माइनस, लेकिन और HCl पॉजिटिव में बाहर निकल गया था। लेकिन वापस जब इसको हीट किया गया बच्चे लोग, तो हीट करते वक्त N2 ने इसका साथ छोड़ दिया, BF3 ने इसका साथ छोड़ दिया, बस कौन बचा तो एक क्लोरीन रह गया यहीं पर। तो ये बोल सकते हो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको नहीं भी दिखाओगे तो काम चल जाएगा। आपके पास डायरेक्ट रिएक्शन यहां पर होगा, इसे ये बनाना है तो प्लस HCl भी लिखना पड़ेगा यहां। एक्चुअल में यही रिएक्शन होता है। बाल सीमन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोरो बेंजीन को बना सकते हैं। इसको अच्छे से एकदम रट जाइए क्योंकि फ्लोरो बेंजीन बनाने का और कोई मेथड नहीं है। और अगर हमारे पास एक और रिएक्शन है जो कि अगर कॉमर्शियल प्रिपरेशन देखा जाए क्लोरो बेंजीन का, अगर मान लो कि हमको क्लोरो बेंजीन का लगाना है फैक्ट्री वगैरह, तो कहां से क्लोरीन कम बजट में ज्यादा मिले हमें तो उसको देखेंगे। यानी लास्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर 4 लिख दो, कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो बेंजीन। देखिए ध्यान से, अगर आपको बनाना है क्लोरो बेंजीन तो ले लीजिए बेंजीन पहले, और बेंजीन के साथ क्या करो HCl ले लो। यानी कि बेंजीन के आपके पास वेपर को रिएक्ट कराना है एयर एंड HCl के साथ। एयर की बात करेंगे तो एयर में मेनली ऑक्सीजन का ही कम होता है यहां पर 1/2। बनेगा क्या बच्चे लोग, तो ये जो चीजें आप पास करा रहे हैं, बेंजीन का भी वेपर ले रहे हैं, HCl गैस ले रहे हैं, O2 भी गैस ले रहे हैं, तो ये सबको कहां गैसेस को कहां मिक्स करेंगे, तो एक जगह कोई ना कोई वेसल्स आपके पास है, तो वो कह रहता है क्यूप्रिक क्लोराइड का आपके पास वेसल चाहिए CuCl2 के साथ, हीट कर देना है। तब क्या होगा, तब यहीं पर आपके पास बन रहा होता है क्लोरो बेंजीन और साथ में निकलता है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन, ये कोई खास रिएक्शन नहीं, कोई पूछता उछता नहीं है, लेकिन देख लो। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो बेंजीन के लिए कहेगा तो HCl और O2 को क्या करना है, पास करना होगा बेंजीन के वेपर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 बन जाता आपका है क्लोरो बेंजीन फाइनल। ये पूरा हो गया बच्चे लोग कंप्लीट हेलवेरियंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेजर ऑफ प्रिपरेशन के बाद इसके पढ़ने जा रहे हम लोग हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से इसकी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स,